व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लॉक वेब को कैसे ओपन किया जाए तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। और व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक छोटा सा प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप अपनी ब्लॉक वेब ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप अपना आईपी एड्रेस बदल लेते हैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से, मसलन वीपीएन की मदद से, तो आपकी वो वेब ओपन हो सकती हैं। तो मैं भी आज आपको एक वीपीएन इस्तेमाल करके अपना आईपी एड्रेस चेंज करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना आईपी एड्रेस दिखा देता हूं कि मैं इस वक्त कहां हूं और मेरा आईपी एड्रेस क्या शो हो रहा है। तो चलें अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। करने के बाद ऊपर सर्च में आईपी थोड़ा सा यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस आप देख सकते हैं कि मेरा आईपी एड्रेस लाहौर पंजाब पाकिस्तान का शो हो रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से रहने वाला हूँ। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि ब्लॉक हैं, और यूएसए में, यूएसए में भी ऐसा ही मसला है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान और जो मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ जिस कंपनी का, वो भी ऊपर आपको दिखा रहे हैं। तो चलें मैं आपको बताता हूँ कि ये हम आईपी एड्रेस कैसे बदल सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में ऊपर सर्च बार में टाइप करना है बैटनेट। ये आइकॉन जो आप देख रहे हैं, आप इसे अच्छी तरह देख रहे हैं, आपको यही प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है। मैं ये इस्तेमाल करता हूँ और मैंने इसीलिए पहले से आपको थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए पहले से डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखी है। वीपीएन फ्री बैटनेट पोस्ट पोर्च वीपीएन प्राइवेट ब्राउज़र। तो आपको ये बहुत ही अच्छी स्पीड और बहुत ही अच्छा नेट प्रोवाइड करती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर 10 मिलियन डाउनलोड हैं और 4.5 की रेटिंग है, तो जो कि बहुत ही अच्छी रेटिंग है। तो आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ मैं आपको फ्रेंड बताता चलूँ कि जो ये एप्लीकेशन है, इसी तरह की बहुत सी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी, लेकिन वो पेड होंगी, जिस पे आपको हफ्ता, 15 दिन या 1 महीना फ्री मिलेगा और उसके बाद आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। लेकिन ये लाइफ टाइम फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी फ्री, जो आप ऐड की मदद से फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें ये कुछ ऐसे ओपन हो गए, तो ये देखें ऐड आ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐड की मदद से आप बिल्कुल फ्री मार सकते हैं। तो इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जो कि ये मांग रहा है, तो आपको एक्सेप्ट क्लिक और ओके करना है। यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये जैसे ही जोर से हट दिया तो आपका कनेक्शन चालू हो गया। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर एक की का ऑप्शन आ गया है, जिसका मतलब है कि आपका कनेक्शन हो गया है। तो चले मैं आप ब्राउज़र में जाके फिर से अपना आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ।
ये देखें इसकी स्पीड ज़रा भी कम नहीं हुई। जैसे मेरा इंटरनेट पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, जर्सी सिटी न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट, जो मुझे अब मेरा आईपी एड्रेस शो हो रहा है वो यूनाइटेड स्टेट की किसी एक सिटी का हो रहा है। तो फ्रेंड आप यूनाइटेड स्टेट के हिसाब से जो भी वेबसाइट ओपन करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी वेबसाइट यूनाइटेड स्टेट की ऐसी वेबसाइट हैं जो कि पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। तो अब हमारा आईपी एड्रेस क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का शो हो रहा है, तो इस वजह से हम उनकी जो ब्लॉक यहाँ ब्लॉक वेबसाइट है वो इस आईपी एड्रेस की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की नई से नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।